ऐसा आप भी सोचते होंगे, ऐसा लगता होगा जब भी आपका स्मार्टफोन एकदम स्लो हो जाता होगा, हैंग करता होगा और लैग करता होगा, जबकि आपके स्मार्टफोन में कुछ भी हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डैमेज नहीं है, फिर भी स्लो हो रहा है। आपका फ़ोन नया भी है, 6-7 महीने हुए है, तो कैसा लगता होगा? स्ट्रेच आता होगा ना, टेंशन होता होगा। बट दोस्तों, आज आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है, और आपका स्मार्टफोन कछुए से सीधा चीते की चाल चलने लगेगा, एकदम स्मूथली रन करने लगेगा और वेरी फास्ट चलेगा फोन, सीलो का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वीडियो में एंड तक आप बने रहना। आज मैं दोस्तों इसमें 5 टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आपने इस 5 टिप्स को फॉलो कर लिया, आपके स्मार्टफोन का प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। वो 5 टिप्स कौन सा है और इसमें कौन कौन सा सेटिंग करना पड़ेगा जिससे कि आपका स्मार्टफोन एकदम फास्ट हो जाए, वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ और आपको प्रैक्टिकली करके इसमें बताते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको चले जाना है सीधा क्रोम ब्राउजर में, तो मैं चलता हूँ क्रोम ब्राउजर में। मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है, यहाँ पर सिंपली यहाँ आइकन पर क्लिक करता हूँ। मैंने आइकन पर क्लिक कर लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जीमेल आईडी के नीचे यहाँ पर सिंक का ऑप्शन दिखेगा, ये बहुत जरूरी है। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आने हो जाता है, और ये क्या करता है, आपका जो भी फोटो कैप्चर किए या वीडियो को डाउनलोड किए, जो कुछ भी डाउनलोड करते हैं, वो सबका बैकअप लेते रहता है, एक एक कॉपी गूगल फोटो में रखते रहता है, एक एक कॉपी। तो उससे क्या होता है, जो आपका जरूरत का रहता है वो तो आता ही है, जो आपका जरूरत नहीं रहता है वो भी इसमें स्टोर होता रहता है। आपका इसमें डाटा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और इसमें आपका बैटरी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है, तो ये सबसे पहले आपको बंद करना जरूरी है। लेकिन क्या फंक्शन इसमें बंद करना, क्या नहीं बंद करना, वो देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिंक पर आप क्लिक कर देंगे, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना सब नीचे दिख रहा है, हिस्टोरी, पासवर्ड, रीडिंग लिस्ट, ओपन टैब, सेटिंग, सारे डिटेल्स ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबका बैकअप लेते रहता है, यहाँ तक का फोटो वीडियो का, मैं तो यहाँ पर बंद करके रखा हूँ, उस सबका बैकअप लेते रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको बंद कर देना है, जैसे कि मैं पहले से बंद किया हूँ, तो अभी जैसे मैं ऑन करके दिखाया है, तो यहाँ से आपको बंद कर देना है। सब पे टिक लगा है, आप इसमें पासवर्ड का रहने देंगे, क्योंकि ये ऑटो फिल का होता है, ओनली वन सिर्फ पासवर्ड को टिक रहने दें, सबको इसमें अनटिक करना पड़ेगा। जितना यहाँ पर चेकबॉक्स दिख रहा है सब पे अनटिक करके और यहाँ से इसको ऐसा बंद कर देना है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बंद हो चुका है। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है, उसके बाद मैं एक बड़ी सेटिंग और बताता हूँ। अब जो दूसरा टिप्स है वो मैं आपको बता दूँ, आपको इससे बाहर आ जाना है, और बाहर आने के बाद आपको जाना पड़ेगा सीधा फ़ोन के गैलरी में। तो मैं यहाँ पर गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, यानी फ़ोटो वीडियो के गैलरी में। बेसिकली क्या होता है, फ़ोटो वीडियो बहुत लोग डिलीट मार देते हैं, कुछ लोग को तो मालूम रहता है लेकिन कुछ लोग को मालूम नहीं रहता है, वो सामने से तो डिलीट हो जाता है, बट आपके स्मार्टफोन का इंटरनल मेमोरी होता है उसमें एक फंक्शन और भी देता है इस आपके गैलरी में, वो है रिसाइकिल बिन का। उसके अंदर से जाके जब तक आप डिलीट नहीं मारेंगे तब तक आपका फ़ोटो वीडियो कुछ भी डाटा अंदर से डिलीट नहीं होगा, वो आपके स्टोरेज को कवर करके ही रखता है। यहाँ आ जाता हूँ नीचे 3 डॉट पर, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इस तरह आप भी क्लिक कर देंगे, देन यहाँ रिसाइकिल बिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं मैं ये सब डिलीट मार चुका हूँ, यहाँ पर फिर भी यहाँ पर शो कर रहा है, यानी ये अभी भी हमारे जो इंटरनल मेमोरी है, स्टोरेज है, उसमें अभी भी ये ऐड है, यहाँ से हटा नहीं है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, देन यहाँ ऑल पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ नीचे डिलीट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और ये आप पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, यानी खाली हो चुका है। गाइज अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की। हर कोई आजकल व्हाट्सएप चलाता ही चलाता है, तो आपको चले जाना है व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में। उसमें क्या होता है, बहुत दिन से क्या करते हैं लोग, ऐसे ही मैसेजेस आते रहता है, जाते रहता है, मैसेज हो या फोटो वीडियो जो कुछ भी हो, उसको ऑल क्लियर नहीं मारते हैं, उसका भी डाटा सब सेव होते रहता है, तो उसको भी आपको ऑल क्लियर कर लेना है व्हाट्सएप के अंदर जाके। जैसा कि मैं जाता हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ राइट हैंड साइड पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा चैट। सबसे पहले यहाँ चैट पर क्लिक करना है, चैट पर क्लिक करने के बाद यहाँ लास्ट में नीचे आ जाना है, सबसे यहाँ चैट हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ डिलीट ऑल चैट्स पर आपको क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ क्लियर ऑल चैट्स, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है।
इससे क्या होएगा, या इसमें जो भी डाटा स्टोर रहेगा वह यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली चले जाना पीछे। दोस्तों ये हो गया, और इसके बाद मैं एक सेटिंग इसमें आपको और बता दूँ, वो भी करना आपको बहुत ज़रूरी है। वो होता है ऐसा है दोस्तों कि ये व्हाट्सएप अकाउंट से जो बैकअप जाता है गूगल में, जो लिंक रहता है डाउनलोड करके, जब आप इंस्टॉल करेंगे लॉगिन करें होएंगे आप जब इसमें, तो ये क्या करता है, ये भी परमिशन मांगता है, तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं और इस परमिशन को ऑन कर देते हैं कि ये पूरा बैकअप गूगल में चले जाता है। तो इससे भी आपका पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है और आपका ज़्यादा डाटा वेस्ट होता है और प्रोसेसर पर लोड पड़ता है और फ़ोन स्लो हो जाता है। तो इसको भी आपको बंद रखना है। अगर आपको बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का बैकअप लेना है तो ही आप इसको ऑन रखें, अदरवाइज़ आप इसको बंद ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ चले आना है नीचे, और यहाँ वापस से आपको चैट पर क्लिक कर देना है, और चैट पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ नीचे आ जाना है, और यहाँ चैट बैकअप का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ बैकअप का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको मैं ऑफ करके रखा हूँ, तो ये बैकअप यहाँ आप बता रहा है, और उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि बैकअप टू गूगल ड्राइव। इस पर भी देखो, मैं नेवर पर क्लिक किया हूँ, इस पर नेवर पर सिलेक्ट करके इसको बंद कर दिया हूँ, यानी मुझे गूगल ड्राइव में बैकअप नहीं लेना है। तो इस पर भी आपको नेवर पर सेलेक्ट करके छोड़ देना है, जबकि इसमें कई ऑप्शन दिए हुए, डेली, वीकली, मंथली, इस पर कुछ नहीं करना है, आपको नेवर पर करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं पीछे आ जाता हूँ। बट दोस्तों इसमें कोई ज़्यादातर ध्यान देते ही नहीं, इसमें ज़्यादातर लोग ध्यान देते ही नहीं है, और वो है नेटवर्क सेटिंग का। नेटवर्क सेटिंग में एक ऑप्शन देता है, वो है डाटा सेविंग मोड का, लेकिन इसमें भी सेटिंग करना है, वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए आप चले जाना पड़ेगा आपको सेटिंग्स में। तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स को ऑन कर लिया हूँ, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कनेक्शन, और किसी में सिम कार्ड सेटिंग ऐसा कुछ आता है। सबका इंटरफेस अलग अलग होता है स्मार्टफोन का, कुछ स्मार्टफोन में नहीं देता है, बाकी सब में डाटा सेविंग सेटिंग देता ही है, उसको ऑन करना बहुत जरूरी है। मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ कनेक्शन पर, और यहाँ आ जाता हूँ नीचे डाटा यूजर्स में। सारे स्मार्टफोन में बेसिकली सेम ही होता है, कुछ कुछ स्मार्टफोन में इंटरफेस अलग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ आ जाना डाटा यूजर्स में, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको, और क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इसमें डाटा सेवर ऑन है, तो यहाँ पर ये ऑफ रहेगा कुछ इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसको ऑन करके क्या फायदा होने वाला है, ये ऑन करने से क्या होता है। जैसे कि हम दिन में बहुत से सारे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यूज करते हैं, और उसको बिस से कट कर देते हैं, या फिर बैक करके पीछे आ जाते हैं और छोड़ देते हैं ऐसी, तो वो क्या करता है, बैकग्राउंड में डाटा रन कर रहा होता है, इससे बैटरी भी बहुत ज्यादा पावर ड्रेन हो जाता है उसका, परफॉर्मेंस पे भी इसका असर पड़ता है, फोन स्लो होने का ये भी बहुत बड़ा रीजन है। और जब कभी आपका सब कुछ सही होने के बाद भी अगर आपका नेट स्लो चलता है, तो भी आप सोचते होंगे कि अब इसमें सब कुछ सही है, इसके बाद भी मेरा नेट स्लो चल रहा है और फोन स्लो चल रहा है, जैसा कि आपको नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर नेट स्लो चल रहा है, कोई भी ब्राउजिंग कर रहे हैं उसमें सिलो फाइल खुल रहा है, कोई भी फोल्डर खुल रहा है सिलो, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा नेटवर्किंग के लिए, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करके आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपको एक सेटिंग दी जाएगा फ्लाइट मोड का। ये हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। इसको ऑन करेंगे, उसके बाद एक मिनट के बाद फिर क्या करेंगे, इसको आप ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा नेटवर्किंग का वो इससे दूर हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी इश्यू रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऑन कर दिया, अब ऑन करने के बाद एक मिनट तक आपको रुकना है, और उसके बाद इसको वापस से ऑफ कर देना है फ्लाइट मोड को। फ्लाइट मोड को ऑफ करने के बाद आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कर लेंगे उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया रीस्टार्ट, ये करना जरूरी है हफ्ते में एक बार, महीने में एक या दो बार, कम से कम 5 मिनट के लिए फोन को स्विच ऑफ रखना भी बहुत जरूरी होता है। जो बाकी के फंक्शन चलते रहते हैं वो बंद हो जाएंगे, थोड़ा फोन को भी आराम मिलता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये सब बहुत बारीकी है, लोग इस पे ध्यान देते ही नहीं है और गलती बोलते फोन की है। अभी मैंने 3 टिप्स बताया है, लेकिन अभी 2 टिप्स बाकी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं चौथे टिप्स की तरफ। तो अब अगर चौथे टिप्स की बात करें तो ये है ऐप नोटिफिकेशन का। ये ऐप नोटिफिकेशन क्यों बंद करना चाहिए, होता यूं है दोस्तों, बहुत से अनवांटेड
जो आप नहीं चाहते हैं, बगैर मर्जी के आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं और आप उससे बहुत बोर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, उसको हटाने के चक्कर में, रिमूव करने के चक्कर में वो उस पर उंगली क्लिक हो जाता है, इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है और बहुत से एप्लीकेशन ऐसा इंस्टॉल हो जाते हैं और अपने को पता भी नहीं रहता है। आपको जैसा कि मैसेजिंग हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, ये सब का नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखे ताकि आपको अलर्ट मिलते रहे। बाकी का जो आपके यूज में नहीं है ऐप, उसका नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन ऑफ रख दें। तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसा कि ये एक एप्लीकेशन है क्रोम ब्राउजर का, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी एप्लीकेशन में आता है, ये बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन भेजता है। तो यहाँ क्या करना है आपको, इस पे आपको ऐसा उंगली को प्रेस करके रखना है और यहाँ से उंगली हटा लेना है। यहाँ छोटा सा आइकन ऊपर दिखेगा आई के जैसा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट पूरा पेज ही खुल जाएगा और खुलने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं इसको बंद करके रखा हूँ और ये कुछ इस तरह से ऑन रहेगा, यहाँ सारे नोटिफिकेशन ऑन रहते हैं, ये सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं लोग, इसको यहाँ पर बंद रखना है। तो इससे भी बहुत ज्यादा आपके फोन के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। और जो मैं पांचवा टिप्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पांचवा टिप्स है और वो है अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड। ये ओनली वन सिर्फ सैमसंग स्मार्टफोन में मिलता है। तो कैसे होता है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है, ऐसा स्क्रॉल करना है लेफ्ट में और यहाँ चले आना है। यहाँ देखो ये ऑफ रहेगा कुछ इस तरह से आपके स्मार्टफोन में। जब आपको ऑन करना रहेगा तो यहाँ सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन दिखेगा और ये चेक नहीं लगा रहेगा आपके स्मार्टफोन में। जब आप फर्स्ट टाइम इसको इनेबल करेंगे तब यहाँ पर ऐसा चेक लगा देना है और यहाँ इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड ऑन हो जाएगा। और ये क्या करता है, आपके फालतू डेटा को कटने देते ही नहीं है। ये इसमें बहुत अच्छा फीचर्स दिए हुए है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।